नमस्कार, मैं हूं शालू बत्रा और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को जिला सोनीपत के गांव थाना कला में शहीद नरेंद्र सिंह के घर पहुंचकर उनके धर्मपत्नी संतोष व पुत्र मोहित को सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ हैं और साथ रहेंगे। परिवार को संभालना हमारी जिम्मेदारी है और दुश्मनों को जवाब देश की सेना देगी। उन्होंने कहा कि शहीद के परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार नौकरी देगी और 50 लाख रुपए उनके खाते में भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही ओबीसी बैंक द्वारा भी 2,21,000 रुपए की आर्थिक मदद परिवार को दी जाएगी, जो आरटीजीएस के माध्यम से शहीद के परिजनों के खाते में डाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के राजकीय स्कूल का नाम शहीद नरेंद्र सिंह के नाम पर रखा जाएगा। इसके अलावा शहीद के नाम पर एक स्मारक और शहीद प्रवेश द्वार का निर्माण भी करवाया जाएगा। देखिए पलपल की है खास रिपोर्ट। ये शहीद नरेंद्र की शहादत पर हमको गर्व है। देश के लिए उन्होंने शहादत दी है और ऐसे शहीदों के एक प्रकार से इस प्रकार के गौरवान्वित होने वाले विषयों को लेकर के ही सारे समाज को प्रेरणा मिलती है। निश्चित रूप से दुश्मन ने जो इस प्रकार की घिनौनी हरकत की है उसका तो हमारी जो सेनाएं हैं वो जवाब देंगी और खूब ऐसे विषयों में कभी बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। और जहां तक इनकी शहादत का विषय है, इनके परिवार की जो भी व्यवस्थाएँ हैं, हमने 50 लाख रुपया इनके अकाउंट्स में भेज दिया है। ओरिएंटल बैंक की ओर से भी कल 2,20,000 रुपया और भेज दिया जाएगा। परिवार में एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दी जाएगी और भी जो छोटी बड़ी गांव की डिमांड्स हैं वो पूरी की जाएगी।